हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है आपको जो बात बतानी है मार्केट से तोते ख़रीदने के हवाले से, क्योंकि जो नए इस शौक में होते हैं, नए जिनका शौक होता है वो मार्केट से तोते ख़रीद लेते हैं, बाद में कहते हैं कि ब्रीड नहीं हो रही। तो आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह आती है, जिन लोगों को नया नया शौक़ होता है वो ऐसे ही जाते हैं मार्केट में और बोलते हैं कि मुझे इस तरीके का तोता चाहिए। अब लोग जो होते हैं, जैसे जो पागल बनाने वाले लोग होते हैं आजकल, भांगड़ी जो होते हैं, आपने सुना होगा नाम भांगड़ी, वो बहुत पागल बनाते हैं लोगों को। कि अपना आपने कभी देखा होगा मार्केट, अगर आप जाएंगे तो वह हाथ पे तोता लेके बैठे हुए होते हैं ग्रीन कलर का, और भी तोते बेचते हैं, लेकिन जो इनकी ये डिमांड होती है मैंने देखा है कि हाथ से ग्रीन कलर का वो तोता लेके बैठे हुए होते हैं और वो टेम नहीं होता। मतलब लोग बोलते हैं कि ये टेम है, ये हाथ में बैठता है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती हाथ में बिठाते हैं और उनकी चोंच पे वो इस तरीके से जो ऐसे अपन जो मारते हैं इस तरीके से वो उनकी चोंच से मारते हैं, उनकी चोंच में सुन हो जाती है ग्रीन तोते की, तो इसलिए वो नहीं काटते। जब ख़रीद के घर लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि एक आध दिन में वो बैठता नहीं है हाथ पे, और हम बोलते हैं कि ये हाथ में नहीं बैठ रहा, ये काटने लग गया। तो फीवर्स वो जंगली ही तोता होता है, वो भांगली जो होते हैं वो इनको ट्रेन नहीं करते, बस उनकी चोंच थोड़ी सुन कर देते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए हाथ में बैठे। जब आप घर लेके जाएंगे तो वो तोता अपनी हरकतें दिखाने लग जाएगा, मतलब वो क्योंकि होता है जंगली तोता, वो हाथ में नहीं बैठता। और कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं ये लेने तोते ये हैं हमारे ब्रीडर पेयर हैं, आप ये घर पे लेके चले आएँ, ये फ़ौरन अंडे बच्चे कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये भी पागल बनाते हैं लोग, ब्रीडर पेयर है कोई नहीं बेचता अपना ब्रीडर पेयर। अगर जिसके पास ब्रीडर पेयर है तो उसको बोले कि अपने घर में ही ब्रीड करवा ले, क्योंकि वो ब्रीड इसलिए नहीं करवाते क्योंकि वो ब्रीडर पेयर होता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्ट होता है। अगर कोई तोता अगर अपना ब्रीडर पेयर बेचे तो इधर थोड़ा शोर हो रहा है, तोते बहुत शोर कर रहे हैं, आपको पता नहीं आवाज़ आए या ना आए। तो इधर बात चल रही थी ब्रीडर पेयर की, तो बहुत लोग जो होते हैं वो कहते हैं ये ले लें मुझसे कि ये ब्रीडर पेयर है, आप घर में जाके सिर्फ रखें ये अंडे दे देंगे। तो व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ये पागल बनाते हैं लोग। अगर उनको अगर आपको ख़रीदना है, अगर कोई ऐसा बोले आप उसको यही बोल दिया करें अगर ब्रीडर पेयर है तो अपने घर में ब्रीड करवा ले, अपने घर में क्यों नहीं ब्रीड करवाते तुम, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, वो लोगों को पागल बनाते हैं और महंगी चीज़ दे देते हैं। आपको बोलते हैं कि ये ब्रीडर पेयर है, आप बोलते हैं चलो अच्छा है ब्रीडर पेयर है, मुझे उसको इतना पालना नहीं पड़ेगा और ये फ़ौरन बच्चे दे देगा। तो व्यूअर्स, ऐसा नहीं होता। और लव बर्ड्स में बहुत ज़्यादा होता है, लव बर्ड्स में अगर आप तोते ख़रीदेंगे मार्केट से तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, इनमें लव बर्ड्स में होता है। तो व्यूअर्स, हम बात करते हैं लव बर्ड्स की, लव बर्ड्स में ये होता है इनकी आंखों की बीमारी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि इनमें जब आँखें आ जाती हैं लव बर्ड्स में, ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, आपके सारे तोते मार के ही ये दम लेती है। तो व्यूअर्स, लव बर्ड्स में बहुत लोग पागल बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेल और फीमेल का भी बहुत मुश्किल से पता चलता है, तो लोग ऐसे ही पागल बना देते हैं कि मेल मेल आपको दे देते हैं या फीमेल फीमेल आपको दे देते हैं, ये बोलते हैं कि ये पेयर है। ऐसा नहीं होता है गाइस, और इनकी उम्र में भी काफ़ी फ़र्क होता है। आपने देखा होगा कोई होता है कि जो जादी होती है तोते की उसके अंदर पकड़ के आपको दे देते हैं कि ये पेयर है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तोता कहीं और से ख़रीदा हुआ होता है, दूसरा तोता कहीं और से ख़रीदा हुआ होता है, दोनों को साथ रख देते हैं, फिर ये लोगों को कहते हैं कि भाई ये पेयर है, ये बहुत अच्छा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, ये आप ले लें। तो व्यूअर्स, आप ऐसे कभी मत लिएगा, अगर आपको तोते लेने हैं तो आप किसी के घर से लें, आप उसके सेटअप पे जाएं उसके घर से लें। अगर आप मार्केट से लेंगे, मार्केट में बहुत लोग पागल बनाते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब नया नया शौक था मुझे तो मैं ऐसे ही तोते लेकर आए जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेल मेल कौन सा है, नर मादी कौन सी है, कुछ भी नहीं इसमें पता था। तो जब मैंने किसी से चेक कराया, बहुत जो एक्सपर्ट थे उनसे मैंने चेक करवाया बहुत पहले, जब मुझे नया नया शौक था, तो उन्होंने कहा ये तो दोनों मेल मेल हैं,
इसीलिए ये ब्रीडर ये पेयर नहीं बन रहा। तो मैंने कहा भाई अच्छा, मुझे तो जिसने दिया था वो तो कह रहा था कि ये पेयर है, तो मैंने बोला जिनसे मैंने चेक करवाया था, मैंने उनको कहा जिससे मैंने खरीदा वो तो कह रहा था ये पेयर है। तो वो कहने लगे भाई ऐसा ही होता है, लोगों के पागल बनाते हैं, जो भांगड़ी होते हैं ज़्यादातर ये भांगड़ी पागल बनाते हैं, बीमार चीज़ आपको पकड़वा देते हैं और आप समझते हैं कि अच्छा है, आप जाके फ़ौरन ले लेते हैं और ये बोलते हैं थोड़े कम पैसे मांग रहे हैं, चलो अच्छा है मैं इनसे ले लेता हूँ। तो आप जब रखते हैं घर जाके फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये तोता सही है, बीमार है, मेल है, फीमेल है, क्या है, कुछ नहीं होता। अगर आपको किसी से लेना है मार्केट में ही, तो आप तकरीबन 3-4 लोगों से चेक करवाइए, नहीं उसी से ख़रीदा और घर पर लेकर आ गए, ऐसा नहीं करें। मार्केट के अंदर ही चेक करवाएं किसी से, जो और होते हैं मार्केट में बहुत एक्सपर्ट आए हुए होते हैं, बड़े बड़े तोते वाले जो तोते पालते हैं वो आए हुए होते हैं, तो आप उनसे चेक करवा लें, अपने दिल को तसल्ली देते हैं, सही तरह चेक करें फिर आप जाके लें। और बहुत लोग होते हैं ऐसे ही ले लेते हैं, खुद ही अकेले जाके किसी को लेके जाते नहीं है साथ, ऐसे ही जाके पेयर ले लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि भाई ब्रीड नहीं हो रही। अबे भाई ब्रीड कैसे होगी, क्योंकि जब आप पेयर सही नहीं लगाओगे तो ब्रीड कैसे होगी। अब तोते में ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं पेयर होता नहीं है लेकिन पेयर बना देते हैं गलती से, मतलब ये कि मेल बड़ा है फीमेल छोटी है, जब इस वजह से भी पेयर नहीं बनता, क्योंकि इनकी उम्र सेम होनी चाहिए जो जाके पेयर बनता है, और इनको साथ रखें। जैसे कि आप मैं देख सकते हैं ये मेरे 3 तोते हैं, ये तीनों साथ रहते हैं, अभी ये तो छोटे हैं लेकिन अभी इन्हीं में पेयर बनेगा, फिर मैं अभी इनको नर और मेल फीमेल का भी इसके अंदर भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी 3-4 महीने के बच्चे हैं, अभी जब इनमें पता चल जाएगा मेल और फीमेल का तो इसके लिए मैं और लेकर आ जाऊँगा। मतलब ये भी देख सकते हैं 3 है, इसमें से अगर कोई फीमेल मेल हुआ वो पेयर बन जाएगा, और जो एक बचेगा उसके लिए मेल या फीमेल में बाहर से खरीद कर ले आऊँगा कोई अच्छी सी। तो बस आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। तो बस मैं आपको आज ये बताना ये चाह रहा था कि आप मार्केट से परचेजिंग ऐसे नहीं करें, आप किसी के घर जाके लें। अगर मार्केट में कोई आए हुए होते हैं जिनके पास घर में पूरा सेटअप होता है, अगर मैं इंशाल्लाह मार्केट जाऊंगा तो एक साहब हैं उनका मैं आपको नंबर दे दूंगा, क्योंकि उनके माशाल्लाह से मैं उनके सेटअप से भी मैंने तोते ख़रीदे हैं माशाल्लाह से, ये जो फैलों के पेयर देख रहे हैं ये मैंने उन्हीं से ख़रीदे हैं, वो मेरे जानने वाले हैं। अगर मार्केट में मैं जाऊंगा अगर वो मुझे मिले तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनका नंबर। उनके माशाल्लाह से बहुत अच्छा सेटअप है, पूरा एक फार्म है, और मैंने उन्हीं से माशाल्लाह से आप देख सकते हैं फैलों का पेयर लिया था, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ब्रीडर पेयर हैं, माशाल्लाह से 4 बच्चे निकाले हैं, वापस से अंडे दे दिए हैं फैलों ने। मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकंड ब्रीड कर रहे हैं सीज़न की, आप देख सकते हैं ये अंडों पे बैठी हुई अभी फीमेल, तो इधर से अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ कि ये अभी पेयर देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये जवान पेयर है, बिल्कुल फर्स्ट ब्रीडर पेयर है, पहली दफ़ा इसने ब्रीड करी है माशाल्लाह से, इसके बच्चे देख सकते हैं कितने अच्छे बच्चे हैं। पहलों में ये होता है कि साफ सुथरे तोते होते हैं, अभी देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल साफ है, कोई गंदगी कुछ नहीं बिल्कुल, और चारों जो तोते हैं वो एक जैसे हैं, और माशाल्लाह से दूसरा पेयर है उसका आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है और अच्छा है, साफ सुथरा पेयर है। तो भी बस आज की टॉपिक मेरा यही था कि आपको बताना था परचेजिंग आप मार्केट से नहीं करें, किसी के घर जाके लें या किसी के सेटअप से लें, कोई अगर आपका जानने वाला है या पड़ोसी है या आप किसी को दोस्त बना लें किसी अच्छे को जिसके पास अच्छा सेटअप हो, अच्छे तोते हों, आप उधर से लें। अगर आप ऐसे ही तोते ले लेंगे किसी से आम बंदों से तो इनमें बहुत लोग बेवकूफ़ बना देंगे आपको, और आप ऐसे घर पे रखे रहेंगे, आपका टाइम भी ज़ाया होगा, तोतों का टाइम भी ज़ाया होगा, और कोई ब्रीड भी हासिल नहीं होगी। तो इधर से मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत दफ़ा धोखे खाए हैं, उसके बाद ही जब जाके सीखा हूँ मैं। अब मैं परचेजिंग जब करता हूँ तो मैंने एक दोस्त है, मैं उन्हीं से लेता हूँ जो भी अगर मुझे चाहिए होता है, उनके पास हर किस्म के तोते हैं माशाल्लाह से, ग्रे पैरेट, पहाड़ी, रिंग नेक, लव बर्ड, बजरी, फैलो, बहुत सारे किस्म के उनके पास तोते हैं, मैं उन्हीं से ख़रीदता हूँ। मेरी जो लव बर्ड्स के पेयर हैं वो भी मैंने उन्हीं से ख़रीदे हैं, बस एक या दो पेयर मैंने कहीं और से लिए थे भाई। तो भी बस वीडियो बनाते बनाते मुझे एक मटकी से आवाज़ आ रही थी बच्चे की,
तो इसने अंडे दिए हुए थे, मैं देखता हूँ कि इसने बच्चा दिया है या नहीं, क्योंकि आवाज़ आ रही है मटकी के अंदर से। व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसने पहला बच्चा निकाल दिया है आपके सामने। ये अभी अभी निकला है, ताज़ा है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी प्रोग्रेस है इसकी। सेकंड ब्रीड भी आ गई है मेरे पास इनका। आप देख सकते हैं पहला जो बच्चा है वो बाहर आ चुका है अंडे से माशाल्लाह से। आप ये देख सकते हैं कि मेरी होम ब्रीड है माशाल्लाह से, मैंने इनको रखा हुआ है अभी तक। ये ब्रीड करे जा रहे हैं आपके सामने। ये तकरीबन मेरे बहुत पुराने पेयर हैं, ये भी कोई नए पेयर नहीं है। ये सारे जो मेरे पट्टे थे वो मैं जमा करता रहता हूँ, जब जिनका पेयर बनता है मैं उनको अलग कर करके पेयर बनाता रहता हूँ। अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत सारे जमा हो गए हैं मेरे पास। इंशाल्लाह मैं संडे मार्केट को सेल कर दूंगा, थोड़े बहुत मैं रख लूँगा। ये देख सकते हैं हर पोर्शन में बच्चे हैं माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स यही है इनसे ब्रीड लेने, इसी यही सीज़न है इनका इनसे ब्रीड लेने का। अगर आप इस सीज़न में ब्रीड नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? तो आपको मेल फीमेल की पहचान होनी चाहिए। बजरीस में तो आसान है मेल फीमेल की, आपको पता होगा इनमें नाक का होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये जो मटकी के अंदर गया है ये मेल है, इनके आप नाक देख सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ व्यूअर्स, ये मटकी के ऊपर जो बैठा हुआ है इसकी आप नाक देख सकते हैं, ये ब्लू है। जो मटकी के अंदर से बाहर निकली हुई फीमेल है इसकी आप देख सकते हैं नाक वाइट है। तो इनमें तो मेल फीमेल का यही होता है चक्कर, बाकी इसमें हड्डी वड्डी का कोई सीन नहीं होता, इनमें नाक से ही पहचाना जाता है। बाकी हड्डी का सीन होता है इनमें बहुत मुश्किल होता है मेल और फीमेल का करना, क्योंकि इनकी जब तकरीबन ये 8-9 महीने के हो जाएंगे तो इनमें बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा मेल और फीमेल का, फिर उसके बाद मैं इनका पेयर बना दूंगा। तो व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।